एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि प्रीटी, गुड, फेयरली, राधा, क्वाइट, टू और समवट, इन सब का मतलब होता है काफी या बहुत, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किस कंडीशन में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, यानी मैं नहीं जानता हूँ कि इनमें कोई फर्क है या इन सभी को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सभी कहलाते हैं इंटेंसिफायर्स। अब सवाल ये होता है कि ये सभी इंटेंसिफायर्स क्यों कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी दूसरे वर्ड के पहले आकर उसको इंटेंस कर देते हैं, यानी उसको उत्तेजित कर देते हैं या उसकी ताकत को और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कोल्ड और अगर इस वर्ड के पहले मैं बोल दूं वेरी कोल्ड या टू कोल्ड या रादर कोल्ड, तो यहाँ इन वर्ड्स के इस्तेमाल से वर्ड कोल्ड का ताकत और भी बढ़ गया, यानी ठंडक और भी बढ़ गई। जैसा कि आपको पता है हॉट मिस गर्म, लेकिन अगर मैं कहूँ वेरी हॉट या टू हॉट, रादर हॉट, फेयरली हॉट, तो यहाँ पर हॉट के पहले जोड़े गए सभी वर्ड्स इंटेंसिफायर्स हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड हॉट को और भी ज्यादा हॉट कर दिए, यानी उसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिए या उसे उत्तेजित कर दिए, यानी उसे इंटेंस कर दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला बात ये सीखा कि ये सभी वर्ड्स इंटेंसिफायर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी वर्ड्स के पहले आकर उनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इंटेंसिफायर्स दो टाइप के होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफायर और दूसरा वीक इंटेंसिफायर। तो आइए दोनों को एक एक करके समझें। अगर हम बात स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफायर की करें तो वो है रियली, वेरी, एक्सट्रीमली और क्वाइट। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम वीक इंटेंसिफायर की बात करें तो वो हो फेयरली, प्रीटी, समवॉट, राधा एंड टू। लगता है आप समझे नहीं। आइए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफायर और वीक इंटेंसिफायर को एग्जांपल्स में समझें। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो द वॉटर इज वेरी हॉट, तो इस सेंटेंस का सेंस है द वॉटर इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी पानी बहुत ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है कि अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए द वॉटर इज फेयरली हॉट या द वॉटर इज प्रीटी हॉट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ द वॉटर इज नॉट वेरी हॉट बट इट इज नॉर्मली हॉट, मीन्स इट इज ड्रिंकेबल। कोई चीज नॉर्मली गर्म है, यानी इतना गर्म नहीं है जो आपको तकलीफ पहुंचा दे। मान लीजिए अगर कोई कहे यू टीच रियली गुड और दूसरा सेंटेंस यू टीच फेयरली गुड या यू टीच प्रीटी गुड, तो जहाँ आपने बोला रियली गुड तो इस सेंटेंस का सेंस है यू टीच एक्सट्रीमली गुड, यानी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वही बात अगर हम प्रीटी गुड या फेयरली गुड की करें तो इसका मतलब होता है यू टीच सिंपली गुड, यानी आमतौर पर आप अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने कोई भी एग्जाम्पल्स राधर या टू पर नहीं दिया, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा राधर या टू इन सब से थोड़ा हट कर है, इसीलिए मैंने कोई एग्जाम्पल राधर या टू पर नहीं दिया। आइए कुछ एग्जांपल राधर और टू पर भी देख लें ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। टू और राधर को छोड़कर यानी ये सभी वर्ड्स अच्छे सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन टू और राधर ये दोनों अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इन दोनों वर्ड से नेगेटिव सेंस निकलता है। हालांकि ये बात सही है कि इन सब का मतलब होता है बहुत या काफी, लेकिन जब आप अपने सेंटेंस में बोलेंगे टू या राधर तो सुनने वाला ये समझेगा कि आपको ये चीज पसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यू आर वेरी गुड, यानी तुम बहुत अच्छे हो, ये सेंटेंस मैंने आपकी तारीफ में बोला, लेकिन अगर इस सेंटेंस के जगह पर मैं ये कह दूं यू आर टू गुड, तो इसका मतलब हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो, यानी इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट वीडियो पसंद है, तो मान लीजिए अगर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया तो उस शॉर्ट वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं दिस वीडियो इज वेरी शॉर्ट, यानी यह वीडियो बहुत छोटा है। जब आप वर्ड वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे तारीफ में बोला, आपको ये बात पसंद है। लेकिन अगर आप कहें दिस वीडियो इज टू शॉर्ट, तो इसका सेंस यह है कि यह वीडियो जरूरत से ज्यादा छोटा है, यानी कुछ ज्यादा ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। सच पूछिए तो आपको इतना छोटा वीडियो पसंद नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई रूम गंदा हो और मुझे कहना हो यह रूम काफी गंदा है,
तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूँगा दिस रूम इज राधा डर्टी, यानी यह रूम काफी गंदा है। यहाँ वर्ड काफी के लिए मैंने बोला राधर, क्योंकि वर्ड राधर और टू नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।